हेलो गाइस, मैं अमृता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने गार्डनिंग चैनल फ्लोरा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अडेनियम क्लांस के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामने दो से तीन मेरे बड़े प्लांट्स हैं और पीछे कुछ बेबी प्लांट्स हैं। फिलहाल इस प्लांट पे ब्लूमिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, प्यारी प्यारी कलियाँ इस पर खिली हैं। लगभग मेरे सारे ही प्लांट्स फिलहाल ब्लूमिंग पे हैं। ये देखिए, हर एक ब्रांच पे इस पे कलियां दिख रही होंगी आपको। मेरे ये तीनों प्लांट्स लगभग 1 से 1.5 साल के हैं और जो पीछे रखे हुए छोटे प्लांट्स हैं वो बेबी सीडलिंग्स हैं, वो बस 1 to 2 मंथ्स के हैं। पर आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस प्लांट के बारे में है। इसका कोटेक्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और इसमें ना ही कोई अच्छी सी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। गाइज, जैसे कि कोटेक्स ये सॉफ्ट हो चुका है, इसके पीछे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। पर सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट दो रीज़न होते हैं, एक है ओवर वाटरिंग और सेकेंड होता है अंडर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग की वजह से इसके रूट्स गलने लग जाती है, इसका कोटेक्स सड़ने लग जाता है, और अंडर वाटरिंग की वजह से बस इसका कोटेक्स की ग्रोथ रुक जाती है और बस सॉफ्ट होते होते श्रिंक होने लग जाता है। इस पर काफ़ी सारे रिंकल्स दिखने को लग जाते हैं। इन दोनों भी कंडीशन में प्लांट्स की केयर अगर अच्छे से नहीं की गई तो प्लांट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओवर वाटरिंग होने की वजह से कोटेक्स अगर सड़ जाता है तो उसको कट करके उसको फंगीसाइड लगा के उसको सेव किया जा सकता है, और अगर अंडर वाटरिंग होता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने का बहुत आसान तरीका है। उसके लिए फर्स्ट हमें हमारे कोटेक्स को यूँ हल्के से खुरेद के देखना है। अगर ये ग्रीन होता है तो इसका मतलब है कि हमारा कोटेक्स बिल्कुल सही है, बस उसको पानी की कमी होने के कारण वो श्रिंक हो रहा है, सॉफ्ट होते जा रहा है। गैस, हम हमेशा ये गलती कर देते हैं कि पानी कम देने के चक्कर में बहुत ही कम पानी दे देते हैं और जिस वजह से हमारे प्लांट की कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए हम ये ट्रे लेंगे जिसमें हमने पानी लिया है, और इसमें हम हमारे इस पॉट को बस रख देंगे ताकि पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले हमारा प्लांट, इसकी जो डिफिशेंसी है वो अच्छे से क्योर हो जाए, हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाए, स्ट्रांग बन जाए। अब हम इसे अगले कुछ घंटों तक इसी में रखेंगे ताकि ये पानी अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले, और उसके बाद इसे हम पानी से निकाल देंगे और कड़ी धूप में रख देंगे। इसका अपडेट हम अब नेक्स्ट 4 डेज में देख पाएंगे फ्रेंड्स। आज 4 दिन बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारा कोटेक्स काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो चुका है, इसके रिंकल्स काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं और पत्तियों में काफ़ी हद तक ग्लो चमकने लगी है, हेल्दी लग रही है। बस इसकी जो पानी की डिफिशेंसी ये कम होने से ये प्लांट फिर से हरा भरा और अच्छे से ब्लूमिंग कर पाएगा। आप देख पा रहे हैं इसकी मिट्टी काफ़ी नम है। आज 10वां दिन है, हमने हमारे प्लांट को हमेशा से थोड़ा ज़्यादा ही पानी दिया है। अब इसकी मिट्टी काफ़ी हद तक सूखी सूखी सी है, आप देख पा रहे हैं, और इसका कोटेक्स भी काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो चुका है। अब दबाने से दबरा नहीं है, इसका सॉफ्टनेस काफ़ी कम हो चुका है। पत्तों में ग्रोथ अभी कम है पर धीरे धीरे हो जाएगी। आगे जाके जब इस पे ब्लूम्स खिलेंगे, इस पे कलियाँ आएंगी, तो आपको ज़रूर इसका अपडेट बताऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब के लिए मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट्स है, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतने कम समय में मुझे इतना चाहा, मेरे काम को इतना सराहा, और इसीलिए हम एक कॉन्टेस्ट आप सबके लिए लेके आए हैं। जिसकी कमेंट हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी उसके लिए हम एक प्राइज़ अनाउंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स करते रहिए और प्राइज जीतते रहिए। थैंक यू।